अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी आटे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिया है रेडी बेस, ये पिज़्ज़ा बेस है जो रेडी है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और ये है पिज़्ज़ा सॉस, ये भी होममेड है, मैंने इसे भी घर पर बनाया है। तो आपके पास ये नहीं है तो आप केचप ले सकते हैं, टमाटो केचप, और इसे अब इस पे डाल दे, अच्छे से अप्लाई कर ले। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। फिर हम इसके ऊपर डालने वाले हैं ये खीमा, ये मेरे पास था रखा हुआ तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपके पास है तो यूज़ करें, नहीं तो आप खाली वेज भी बना सकते हैं या नॉन वेज, आपकी मर्ज़ी। अब हम इस पे से डालेंगे चॉप्ड ऑनियंस, बारीक कटी हुई प्याज है ये। वेजिटेबल्स आप आपके हिसाब से कौन से भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, चॉप्ड टमाटोज है ये, इसे भी थोड़े से हम डाल लेंगे। बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा बन के रेडी होता है, क्योंकि ये हमने व्हीट फ्लावर से बनाया है, मैदे से नहीं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज जो अच्छे साइज़ में कटे हुए हैं। आप शेप साइज़ आपके हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये है होममेड चिल्ली फ्लेक्स, तो डाल ले इसके ऊपर से। आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्ची, अगर आपको हर्ब्स भी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आपके हिसाब से जो भी अवेलेबल है वो सब डाल लें। अब लास्ट में हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा और मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, कोई और चीज़ है तो वो डाल ले, नहीं है तो आप कोई दूसरी चीज़ भी या कुछ भी डाल सकते हैं, या बिना चीज़ के भी अच्छा लगता है। तो अब इसको हम साइडों में से थोड़ा सा ऑयल या बटर अच्छे से ब्रश कर देंगे। इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा, हमारे साइड्स गोल्डन गोल्डन लगेंगे, क्रिस्प हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा ऊपर से भी हम थोड़ा सा ऑयल छिड़क लेते हैं। अब ये हो चुका है रेडी, इसे बेक करेंगे हम। आप चाहे तो इसे तवे पर भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास अवन है तो आप इसे अवन में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास अवन था तो मैं अवन में बना ली हूँ, आप कढ़ाई या तवे पर भी बना सकते हैं। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया वाला बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी, कितना अच्छा ये लग रहा है, चीज़ी भी बहुत है। तो बहुत आसानी से बहुत बढ़िया वाला पिज़्ज़ा हम घर पर बना लिए हैं। तो आप लोग भी ऐसा पिज़्ज़ा बनाने ट्राई कीजिए। अब मैं आपको कट करके बताऊंगी। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत सिंपल है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। बहुत बढ़िया बनके ये रेडी हुआ है। आप पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने बताया है कि हम पिज़्ज़ा बेस कैसे बना सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगने लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।